हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगा माइक्रोवेव एक्टिव कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। देखिए, इसके लिए दो कंडीशन चाहिए। पहला चाहिए डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, दूसरा चाहिए पोलर होना चाहिए। अब देखिए, इसको देखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। मॉलिक्यूल में पॉइंट ग्रुप कौन कौन सा परसेंट होना चाहिए, सी वन सी एस सी एन सी एन वी सी एन वी यानी थ्रू टू वी थ्री वी कुछ भी परसेंट होना चाहिए। देखिए, जैसे हमारा मॉलिक्यूल से H2O, देखिए दो एच है तो 360 को 2 से डिवाइड कर लिया, 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो हाइड्रोजन इधर इधर हो जाएगा, यानी सेम स्ट्रक्चर आएगा, तो हमारा माइक्रोवेव एक्टिव कंपाउंड है। और देखिए, सी थ्री वी हमारा क्या है, NH3 का स्ट्रक्चर बनाया, 360 से डिवाइड किया तो 120 डिग्री पे इस हाइड्रोजन को घुमाएंगे तो सेम स्ट्रक्चर आएगा, यानी हमारा सीधी भी प्रेजेंट है। बट यहाँ पर हम बेंजीन बनाएंगे तो बेंजीन में हमारा D6 है, तो ये हमारा माइक्रोवेव एक्टिव कंपाउंड है। अब देखिए, ये कंपाउंड बना हुआ है, इसको ऐसे घुमा देंगे तो सेम स्ट्रक्चर है, माइक्रोवेव एक्टिव कंपाउंड है। CS है, यहाँ पर CS है, तो देखिए CL लगा हुआ है। तो देखिए, CS के लिए क्या चाहिए, हमारा माइक्रोवेव एक्टिव कंपाउंड होता है CS। यहाँ पर CL लगा हुआ, कोई भी सिमेट्री नहीं होगा। यहाँ पर CH4 है, टेट्राहेड्रल में, तो कोई भी हमारा माइक्रोवेव एक्टिव कंपाउंड नहीं होता। तो कैसी लगी हमारी ट्रिक्स, हमारे कमेंट में जरूर बताइए, और हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स जानिए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।